हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट में मैंने आपको अपनी डैम एसएमपी के पूरे वर्ल्ड का वो टूर करवाया था और बताया था कि मैंने शुरुआत से वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो वो तो वीडियो जिसने नहीं देखी जाके देख लो। तो इस पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगले पार्ट में हम अपना वो ट्रेडिंग हॉल बनाने वाले हैं। तो इस पार्ट में हम बनाएंगे ट्रेडिंग हॉल और मैंने उसके लिए जगह पहले से ही फ्लैट कर लिया है। अब बस मेरे को पहले बॉर्डरिंग करनी है, अपना पूरा एरिया चुनेंगे 15 ब्लॉक का। हाँ, यही है 15 ब्लॉक। चलो पहले ना मेरे को यहाँ पर 3 ब्लॉक तोड़ने हैं और मार्किंग के लिए ना मैं यहाँ पे स्टोन लगा देता हूँ, कोबल स्टोन जल्दी से। ये 1 2 3, ठीक है। अब फिर से 3 ब्लॉक तोड़ने हैं और अब मेरे को इसका बीच का एक ब्लॉक हटाना है, इस साइड को करते हैं। हाँ, और अब मेरे को आगे 15 ब्लॉक तक जाना है। चलो शवल देखते हो, शवल है क्या मेरे पास? शवल ही नहीं है यार। चलो पहले मैं जल्दी से शवल लेकर आया फिर। तो गाइस, मैं जाके शवल ले आया था और मैंने ये एक साइड का बना भी दिया। ऐसे ना मेरे को चारों साइड करना है। और आपको ये थोड़ा थोड़ा अगर कहीं पे याद आ रहा है तो मैं आपको बता दूँ, मेरे दिमाग में भी कोई ट्रेडिंग हॉल का प्लान व्लान नहीं आ रहा था, तो मैंने ना ये यूट्यूब से उठाया है। जिस बंदे का उठाया उसका नाम है MC एडन, शायद यही नाम है। हाँ, तो उसका मैंने उठाया, थोड़ी सी चोरी करी है पर कोई बात नहीं। अभी मेरे को ये सेम चीज़ ना चारों साइड करनी है। ये देखो, पहले 3 ब्लॉक मार्किंग के लिए कोबल स्टोन लगा दिए और 3 ब्लॉक खाली छोड़े। पर इस साइड ना मैंने जगह प्लेन नहीं कर रखी। चलो जल्दी से इस साइड भी जगह प्लेन कर देते हैं थोड़ी थोड़ी। दे यार, ये खड्डे वड्डे भी हो रखे, ये भी भरने पड़ेंगे और ग्लास अलग हटानी पड़ेगी। चलो भाई, जल्दी से यहाँ से 15 ब्लॉक आगे हटा देते हैं। फिर ये बीच में खड्डा अलग हो रखा है, इसको भी फिल करना पड़ेगा। मैं 2 मिनट में गाइज ये पूरा एरिया बना कर आया। चलो गाइज, अब मैंने चारों साइड की आउटलाइनिंग जो है पूरी कर दिया और अब ये थोड़ा सही लगने लग गया है। और जहाँ जहाँ पर खड्डे वड्डे हो रखे थे मैंने वहाँ पर ब्लॉक से उन्हें फिल कर दिया। बस ये साइडों की थोड़ी बहुत ही जगह चाहिए। अब मेरे को चाहिए ओक लॉक के प्लैंक्स। अब वो पेड़ काटने जाना पड़ेगा फिर से, तो जल्दी से चलते हैं और पेड़ काट के आते हैं। चलो गाइज, मैं जल्दी से भाग के ओक लॉक ले आया हूँ और सबसे पहले यहाँ पर अपने ओक के लॉक के पिलर्स बनाने स्टार्ट करते हैं। ये एक गैप छोड़ छोड़ के बनाना है इनको। ये मैं अपने सस्ती पार को स्किल्स दिखाता हुआ यूं करके ना हर जगह बनाने हैं, मतलब 4000, मतलब काफ़ी सारे लकड़ी मेरे को भी और लेने जाना पड़ेगा। ये और इनकी हाइट मेरे ख्याल 4-4 हाइट क्या बनाने थे। ये मैं आपको दिखा देता एक बार। तो चलो, अभी हमने एक एक ब्लॉक लगा दिया। चलो गाइस, मैंने चारों साइड जो है ओक लॉक लगा दिए अभी और मेरे को अभी इन पे पिलर बनाने। वैसे अभी ये थोड़ा सही लग रहे हैं लुक वाइज। ये देखना, बकरी बकरी भी इलाके में घुस रही है। चलो जल्दी से ना पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। और ये बस 49 ओक लॉक पड़े हैं, मेरे को दोबारा लेने जाने पड़ेंगे। अब इनके ऊपर चलते हैं, 1 2 3, बस ऐसे करके ना मेरे को ये सारे पिलर बनाने हैं। कितने सारे, मतलब काफ़ी सारे ओक लॉक लगने वाले हैं। 4-5 स्टैक मेरे को बार बार लेने जाना पड़ेगा। 2 3, इसमें मेरी एक्स की हालत तो पतली होने वाली है, पर कोई बात नहीं, मैंडिंग लग रखी है मेरी एक्स पे। जल्दी से बनाते हैं। चलो गाइस, मैं जल्दी से सारे बना के आया। तो गाइस, मैंने ना ये इतने लगाए थे और ये देखो, ये डंगर से आ गए यहाँ पर। ये ना बहुत बारी आ चुकी, जितना मैंने एरिया प्लान करा ना, आधे मिनट बाद ये आ जाते हैं। तुम्हारी बैच की यहाँ पहले भी आई थी ये 2-3 बार। मतलब ना यहाँ आसपास कहीं आउटपोस्ट है, वो ढूंढ के ना मैं वो अगले पार्ट में सोच रहा हूँ EXP फार्म बनाऊँ। अगर वो मिल गया ना EXP फार्म, पक्का है भाई। ये वीडियो में आगे भी 2-4 बार आए थे, याद है मेरे को। तो गाइज, ये मेरे 3 जगह के पिलर बन चुके हैं, पर अभी भी मेरे को और रोक लोग लानी पड़ेगी। मिनट बाद जाओ आओ 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 करके आते गाइज एक और बार ड्रामा। गाइज, मैंने अपनी मस्त यहाँ पे लकड़ी काटने आया था और लकड़ी काट रहा था, लेकिन एक सेकेंड गाइज, ये साले हरामे साले मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे जीवन में, इनको निपटा के आया मैं। तुम्हारी भैंस की आंख इधर आ, तू साले, तेरी भैंस। तो गाइस, इन्होंने ना मेरे को बैड ह्यूमन का इफेक्ट दे दिया, तो कोई नहीं, आप जाके इसका फायदा उठाएंगे।
रेड पड़वाएंगे विलेज में अगर बाई चांस हुई तो। ओ भाई साहब यहाँ पे लावा पोर्टल भी आया, मतलब जब भी ऑब्सीडियन की जरूरत पड़ी यहीं पे आऊँगा, कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेता हूँ। चलो अभी तो चलते हैं जल्दी से विलेज। तो भाई मैं अपने इलाके में तो आ गया, मतलब अपने विलेज के पास तो आ गया, और जो मेरे विलेजर्स हैं आपको पता ही है सबसे ऊपर रखे हुए हैं, तो चलो जल्दी से उनके पास रेड पड़वाते हैं अगर होती है तो। मैं ना पहले ये डर्ट तोड़ देता हूँ, कहीं पता लगे वो विलेजर जो भी आते हैं वो रेड पाने के लिए वो ऊपर ना चढ़ जाए और उन्हें ना पेल दे दोनों को। जल्दी से चलते हैं उनके पास अगर रेड होती है तो। दूर पास ही है, इतनी देर में तो स्टार्ट हो जानी चाहिए। चल थोड़ी और पास चलते हैं। वे क्या रेड स्टार्ट करो यार, नकली इफेक्ट तो नहीं दे दिया और 700 वाला इफेक्ट पड़ा दिया मेरे को, क्या है बे। चलो रेड शुरू कर भाई, वे ऐसे थोड़ी होता है। चल कोई नहीं, मैं होके आया। गाइस मेरे को तो लगता है ना मैं वहां के दो तगड़े वाले वॉरियर्स ले आया हूँ जिनको डर ही नहीं लगता इनसे, ये साले रेड ही नहीं पा रहे। हराम इंसान जिंदगी में कुछ तो अच्छा करो। ये देखो भी मैं कितना अच्छा करता हूँ, देखो गाइस ये टकला नहीं बच गया। ये ए, ए, यार क्या फिश, या कैसे दिख रहा है। एक और मारूंगा इसको, साले का टकला बजा दूंगा, देख लिया वैसे इसने। चलो गाइस इसके पास चलते हैं, इससे भी मदद करवाएंगे मार मार के। हाँ पर ये दोनों वॉरियर्स हैं, ये पक्का वॉरियर बेटे पैदा करेंगे, बस वो ग्रेड कर दिया करें। तो गाइस इसके बाद मैं और रमन आते हैं इस विलेज में, सोचते हैं कि अपा इस विलेज में रेड पड़वाएंगे और आ जाते हैं अपा। तो पहले मैं सोच रहा हूँ रमन को जान दूँ, और पता लगे मैं ऊपर एक दो विलेजर लाया था ना, दो तीन लाया था, तो ऊपर रमन ने देख लिया कोई विलेजर नहीं पड़ा यहाँ पर, नहीं तो उसका ले जाता ना रमन अपने विलेज में, एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो आ चुके हैं, क्या इस विलेज में रेड स्टार्ट हो गई होगी। हमने ना पहले भी एक बार, मतलब अगर किसी ने पहला एपिसोड देखा है तो उसने देखा होगा कि मैंने बताया था कि ये वीडियो मैंने बीच में से स्टार्ट क्यों करी। तो उस वीडियो में ना पहले भी अपन ने इस विलेज में रेड करवाई थी। इस विलेज में ना ज़्यादातर छोटी रेड होती है, क्योंकि विलेज शायद छोटा है या रेगिस्तानी विलेज है, आई डोंट नो। पर लो यार इसमें भी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, सारे वॉरियर है क्या यार, सारे वॉरियर पैदा करे इस विलेज ने, नकली तो नहीं है ये, कहीं 700 वाला वो इफेक्ट दे दिया उसने। ओहो नहीं नहीं गाइस रियल था, ओके मैंने सोचा, रमन ने सोचा ये उसने इतनी मुश्किल से फेंस लगाए बर्बाद चले गए। तो गाइस हम फेंस के अंदर इसलिए बंद हो रहे हैं, बीच में कई बार कुछ नहीं, मैं बस बहाना बना रहा हूँ। डर लगता है भाई, वो सांड सा के उड़ा जाता है और वो कुल्हाड़ी वाले आके मार देते हैं सारे, तो मैं अपना डायमंड का कुछ खोना नहीं चाहता, इसलिए आप बंद हो गए। और इस पर आप इस विलेज वो रेड में मरे तो नहीं थे, बट कुछ खास कुछ नहीं मिला इस विलेज में हमें, कुछ घंटा नहीं मिला इस रेड में। तो ये रेड मैं स्किप करता हूँ, वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो रही है और मैं नहीं चाहता इतनी लंबी हो, तो चलो ठीक है। तो गाइस फाइनली हम जाके वहाँ पर रेड जीत आए हैं, और ये मैंने ये भी आके पूरे कर दिए ओकलॉग्स, बस ये जो कॉर्नर्स रह गए हैं ये कॉर्नर्स तो चल मैं लगा दूंगा एक सेकंड में। ये डर्ट ब्लॉक भी सोच रहा हूँ हटा दूँ। चलो गाइस अब जल्दी से कॉर्नर पूरे करके ये वीडियो पूरी करते हैं, वीडियो नहीं मतलब ये अपना ओकलॉग का काम पूरा ख़त्म करते हैं, मतलब पिलर्स का काम पूरा ख़त्म करते हैं। चलो तो गाइस सबसे पहले मैं अपनी ये रिकवर करता हूँ, क्या कहना बो। तो अब मेरे ये एक्स और पिकेक्स की हालत भी कुछ ठीक नहीं है, तो चलो जल्दी से फिर ये भी रिकवर कर लेते हैं। अब मेरे को ऐसे करके करनी पड़ेगी क्योंकि ये पीसी तो है नहीं जो मैं लेफ्ट हैंड में एक्स पकड़ लूँगा, मैं फ़ोन प्लेयर हूँ तो मजबूरी है भाई, तो जल्दी से करके चलते हैं। अभी मैंने पिकेक्स और एक्स थोड़ी सी, मतलब आधी से थोड़ी सी ज़्यादा रिकवर कर ली हैं, इतने भी काफ़ी है आज की वीडियो बनाने के लिए। तो जल्दी से चलते हैं अपना ट्रेडिंग हॉल पूरा बनाते हैं। ओके चलो गाइस, तो गाइस मैं 200 किलोमीटर की स्पीड से नीचे आ चुका हूँ, जल्दी से चलते हैं वहीं पर। चलो गाइस मैं अपनी जगह पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर देखो मेरे को कौन मिला, नल्ला बेरोजगार छपरी बेहुदा गंदा टट्टी इंसान। हाँ ये मेरी SMP का मेंबर है, मजाक कर रहा था, ये वीडियो देख रहा होगा, तू बहुत अच्छा इंसान है, सॉरी ब्रदर। तो अभी मैं पहले क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ और एक जगह चुनता हूँ, बीच में तो रहने दो ये, हाँ ये इस साइड की जगह सही है, यहाँ पे मैं अपना सब कुछ रखूंगा, क्राफ्टिंग टेबल फर्नेस।
तो अभी से ना मेरे को बहुत सारे बिर्च प्लैंक चाहिए, बिर्च प्लैंक ही, हाँ बिर्च प्लैंक ही कहते हैं इन्हें। अब मेरे को इनको पता कैसे लगाना है, जैसे ये है ना, इनके बीच में से ऊपर की साइड लगाना है, क्योंकि पहले हम बाहर की सजावट करेंगे, अंदर से कोई कैसा भी हो बाहर से सुंदर दिखना चाहिए। ये दुनिया का सच है, कड़वा सच। ठीक है, मैं कितनी अच्छी बातें करता हूँ, इसलिए मेरे को सब्सक्राइब कर लो। और ये हो चुका है बस, अब मैं पूरा करके आएगा जल्दी से, दो मिनट में पूरा करके आया, दो मिनट का समय दो। यहाँ पर गाइस बहुत भारी वर्षा में मैं काम कर रहा था, और काम करते करते मैंने अपना काम कर दिया। हाँ गाइस, काम कर दिया। अब मेरे को ना यहाँ पर स्टेयर्स लगानी है उल्टी, वैसे वो थोड़ी अच्छी लगी है ना। तुम्हारा भाई देखो कितनी वर्षा में तुम्हारे लिए काम कर रहा है। चलो गाइस जल्दी से पहले प्लैंक बना लेते हैं, बिर्च प्लैंक, फिर उनके स्टेयर्स बनाएंगे। तो ये बन रहे हमारे प्लैंक। यार ये बीच में ना ग्लिच भी मार जाता, ये अड़ जाता सारा। चलो जल्दी से अब जितनी वो स्टेयर्स बन रही है उतनी बनाते हैं। 56 ही, चल 56 ही पहले काफ़ी हैं। ये और बना ही लेते हैं, मैं सोच रहा थोड़े से और बना लेते हैं, दो स्टैक। अबे यार ये मैं क्या कर रहा होता हूँ कभी कभी, चार और बनाई है मैंने बस इतना। तो गाइस अभी मैंने चार और स्टेयर्स लगा दिया, मतलब स्टेयर्स वाला काम पूरा हो गया है। अब मैं ना पहले सबसे पहले वो बना लेता हूँ अपने लिए एक चेस्ट, और चेस्ट में ना ये रख लेंगे। स्टेयर्स का काम खत्म हो गया, और ये आड़क बाड़ा जो भी हमारे पास पड़ा है ये सब उसी में संभाल के रख देंगे। चल तू भी चल, इसका तो काम खत्म। ये टट्टी फट्टी सामान भी रख देता हूँ मैं अपने दोस्तों की तरह, और आता हूँ। तो भाई मैंने ना नीतीश को बोलकर वहाँ पर विलेजर के लिए एक छोटी सी जगह बना ली है। मैंने उसे कहा थोड़ा ऐसे खुला सा एरिया बना लियो, उसमें अपन विलेजर रख लेंगे। तो इसलिए मैं इधर आ गया विलेजर्स को लेने, तो जल्दी से मैं इन्हें लेके चलता हूँ। 3, 2, 1। तो वैसे अब मैं अभी पहुँच गया हूँ यहाँ पर, पहुँचते पहुँचते रात नहीं होगी, मतलब दो मिनट में ही रात होगी, पता नहीं कैसे। और ये भाई साहब इतना बड़ा एरिया बनाया इस लोंडे ने, पता नहीं क्या बोल रहा था, और आप क्या सुन रहे थे, आपके कान खराब हो गए हैं भाई साहब। इसमें इनके दो बेड ही बड़ी मुश्किल से आएंगे भाई, ब्लॉक की कमी थी तोड़ देता, इतनी डर्ट है। पर ना भाई कंजूसी दिखानी है बंदे को। अभी पहले रात हो गई यहाँ पर ना, जल्दी से ब्लॉक लगा के चलते हैं। और मैं वैसे भी गेम एक्सिट करने वाला था, तो जल्दी से यहाँ लगाए, यार कहाँ बीच में आ रहा, जल्दी हट, यहाँ लगाए ब्लॉक और चलो निकलते हैं। तो गाइस मैं जल्दी से भगा कर इस विलेजर को भी यहाँ पर ले आया हूँ, और जल्दी से इसे यहाँ पर रखते हैं अपना। एक ना इस मतलब इस जगह में ऐसा ग्लिच होता है, मतलब विलेजर को बोट में बिठा के उतरो ना, इसको साले को शॉर्ट लगता है, इसलिए मुंडी नीचे करके उतरना पड़ता है मेरे को ये। तो चलो अब जल्दी से ट्रेडिंग हॉल का काम स्टार्ट रखते हैं, यहाँ पर बेड लगा के, और इनको इतना खाना वाना खिला देंगे, अपने पैदा कर देंगे जो भी। तो गाइस उससे पहले मैंने सोचा यहाँ पर अपने विलेजर्स के लिए बेड लेने आ जाता हूँ, और मेरे पास कितने सारे बेड पड़े थे, पर मैं इतने ही बचा पाया था। जब लास्ट टाइम नीतीश ने मेरा घर तोड़ा था उसमें बहुत कुछ गया था, मेरी लकड़ी गई थी कितनी सारी, और भी पता नहीं क्या क्या चला गया था, बेड भी चले गए थे, पर इतने मैंने ले गया था मैं अपने साथ, तो ये बेड बच गए थे। तो जल्दी से इन्हें वहाँ पर ले के चलते हैं। तो पहले मैं इधर बेड लगा कर इनको थोड़े से ब्रेड व्रेड दे जाता हूँ, ताकि ये कुछ तो कर सकें। तो जल्दी से यहाँ पर पहले दो बेड लगाते हैं, एक या बस ये यहाँ लग जाइए, बोट गला ग्लिच ना हो, हाँ लग गया। तो पहले इनकी बोट ही तोड़ता हूँ, इतनी जगह घेर रही हैं, चल बेटे तू भी बोट दे। अब यहाँ पर जैसे तैसे करके बेड लगा देता हूँ, बाद में अपनी जगह रिकवर कर लूँगा, मतलब बड़ी कर लूँगा। एक, चार बेड लग गए, अभी भी यहाँ पर भी दो और लग ही जाएंगे, एक अपने पास बचा लूँगा, क्योंकि रात हो जाती है तो कहीं पर भी होता है मेरे को सोना पड़ता है। टेढ़े मेढे लगा देता हूँ, इधर लगाने दो, हट जाओ, चल लग गए। अब इनको ब्रेड दे के देखता हूँ करना, ठीक है, वॉरियर बेटे पैदा करेंगे ये, 2, 3, 1, 2। कंजूसी दिखाएंगे गाइस, क्योंकि हमारे पास भी इतने ब्रेड नहीं है। चलो इतने काफ़ी है ना, चलो जल्दी से दिल दिखाओ, दिल, चलो चलो ऊपर जाऊं क्या मैं गाइस, इन्हें ना थोड़ी प्राइवेसी देता हूँ। चलो ये मैंने 2-4 मिनट गर्दन के नीचे करी, तुम तो स्टार्ट ही हो गए। चलो चलो जल्दी जल्दी, कहाँ है, अबे नहीं, आ गए, देखो गाइस ये मम्मी है ग्रीन वाला, क्योंकि इसके पेट में से आया है। हाँ भाई देख, मेरी वजह से आया तू, मतलब आया ये फार्मर की वजह से है,
पर थोड़ा सा सेक था मेरा। चलिए तू भी ब्रेड खाओ, जल्दी जल्दी बड़ा हो जा। चल मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो गाइस मैंने यहाँ पर कोयल ढूंढ रहा था और बस थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं खोदा था मैंने, इतना सा ढूंढने में मेरे को काफी सारा कोयल मिल गया। तो जल्दी से इससे यहाँ से उठाते हैं और लेके चलते हैं। वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो रही है और अभी बहुत वीडियो पड़ी है, तो जल्दी जल्दी वॉइस ओवर करते हैं। तो गाइस मेरे को ना वहाँ नीचे 25 कोयल मिला और मैं 25 कोयल लेके ऊपर आ गया, कोल जो भी कह लो इसको। और यहाँ पर मैंने 3 फर्नेस बना लिए, बिकॉज मेरे को अभी ना वो वाले स्टोन चाहिए, मतलब सिर्फ स्टोन चाहिए जिससे मैं वो ब्रिक स्टोन कहते हैं शायद उन्हें, वो बना सकूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 फर्नेस बना लिए, इनमें जल्दी से अपने स्टोन को, मतलब कोबल स्टोन को स्मूथ स्टोन बनने के लिए रख देते हैं और अपन करते हैं आगे का काम स्टार्ट। तो गाइस मैं ना भाग के जाके स्टोन कटर ले आया हूँ, एक घर में पड़ा था यही विलेजर के किसी। तो चलो यहाँ पे 9 स्टोन पक गए हैं। अब इनसे ना मेरे को पता है कौन सा, एक गोल बिंदु वाला एक ब्लॉक बनाना है। हाँ ये वाला ब्लॉक बनाना है, ये ना बीच में लगाएंगे, बहुत सही लगेगा ये। पहले मैं 9 ले लेता हूँ ये। अब मैंने ये वाला 9, हाँ इसको ना ऐसे बीच में लगाना है, ऐसे ये, ऐसे एक ये पूरे ऐसे लगाने हैं, बड़े सही लगेंगे। मैं जल्दी से इन्हें ना लगा के आया। तो गाइस उससे पहले मेरे को याद आया ना, यहाँ पर विलेजर के इसमें बंद करने के लिए ना फेंस भी चाहिए मेरे को, तो वो भी मैं लेकर आया, देख के आया। शायद तो मेरे घर में पड़े होने चाहिए, तो जल्दी से जाके मैं देख के आया एक सेकंड में। गाइस मेरे पास पड़े थे, पर मेरे घर में पड़े थे जो कि कुत्ते नितिश ने तोड़ दिया और मेरा वहाँ पर बहुत सारा सामान चला गया। पर अब कोई नहीं, अब मैं देखता हूँ क्या करूँगा, जल्दी से चलते हैं वहीं पर। छोड़े यार, मारूंगा साल को एक दिन बहुत। तो गाइज मैंने यहाँ पर आया, एक बंदा यूं ही घूम रहा था, उसके पास वो भी नहीं था, क्या नाम है, बैनर भी नहीं था। तो मेरे को लगा यूं लूपड़ा विलेजर है, बच गया आएगा मेरे से साला, उसको मैंने मारा। यहाँ पर रेस स्टार्ट कर दी इन्होंने भाई साहब, अब क्या करें। अब जल्दी से ये रेड खत्म करनी थी मेरे को, पर इस रेड में मेरे साथ एक बहुत ही बुरा हादसा होता है, अब देखो क्या हुआ। तो गाइस जैसे ही मैं ये वाली रेड खत्म करता हूँ ना, मैं सोचता हूँ जल्दी से ना इनके घर में घुस जाता हूँ यहाँ अंदर से ऊपर। मैं भूल गया था कि इनके पास एक बच्चा भी है जो एक ब्लॉक में से निकल सकता है, और ये पहले तो ये चुड्डू सा निकल गया, इसको पास बुला भी नहीं सकता था। मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, अभी भी 2 हैं, इसको निकल जाने दो, अगर बाद में जिंदा बच्चा तो पकड़ लूंगा। या मैं अंदर आ गया और इसके बाद देखना अभी आप एक और कांड। तो मैं ना यहाँ अंदर घुस के आराम से अपने तीरंदाजी दिखाकर इनको पेल रहा होता था, इनके सिर पे सिर बजा रहा होता था अपने तीर से, मतलब अभी क्या हो रहा है, रुक जा, अब बैठ के मार रहा था अभी ना। ये रमन भी मर गया यार विक्टेटर से, ये बहुत गंदी रेड डल गई मेरे से गलती से, बिना बैनर की रेड पा दी। और उस दिन बैनर वाली रेड नहीं पा पाए, मतलब पाई थी पर बहुत छोटी थी, ये साली रेड 4 बड़ी हो गई। इसमें तो वो भी आया होगा जो वो देता है अपना, पर ये देखो मेरे को लगा यहाँ पर एक ही बंदा बचा, गलती से मैं ब्लॉक तोड़ देता और वो सारा अंदर घुस जाता है। और यहीं पर मैं तलवार चलाता हूँ, एक तलवार विलेजर को लग जाती है, मतलब एक छोड़, और जल्दी से पहले इसे ख़त्म करता हूँ साले को, और ये बाहर जाता हूँ, दूसरी रेड स्टार्ट होने वाली होती है। ये बच्चा भी घुस जाता है, ये भी घुस जाता है, पर फिर देखना। अरे साले अंदर चल भाई, अंदर चला जा, रेड दिख रही है, मरेगा के तू, बच्चे तू भी आ भाई, आ जाओ यार, एक तो आ जाओ, सुन लो मेरी बात। ये थोड़ा सयाना लग रहा है गाइस, ये रेड स्टार्ट होते ही एक विलेजर घुस गया, एक तो साला मेरे हाथों से मर गया, और एक उसका बच्चा पता नहीं मेरे को भी नहीं दिख रहा। ये देखो अब ये सांड वांड आ जाते हैं, फिर इनसे लड़ने लग जाता हूँ मैं, और उसमें पता नहीं यार उस विलेजर के बच्चे को कौन मार देता है। और वो रमन का सामान भी यूं ही पड़ा है, उसको भी बाद में मैं ठीक कर दूंगा, पर अभी मेरा बचना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, सारा सांड सा आ गया। जल्दी से गाइस मैं इन्हें मार के आया। Wow.
ये रेड तो मैंने बिना मरे खत्म कर दी, पर यार यहाँ इस रेड ने बहुत घाटा करा, रमन का भी और विलेजर भी खा गया। इतना लॉस कराने के बाद गाइस फिर से अपन अपना ट्रेडिंग हॉल बनाना स्टार्ट करते हैं, ये गोल वाले ब्लॉक लगाकर बनाकर इनको जल्दी से लगाते हैं और जल्दी से पूरा करके मिलता हूँ मैं आपको 2 मिनट में। तो गाइस यहाँ पर ना बस ये ब्लॉक 2-3 रह गए हैं और ये लगाया लास्ट ब्लॉक और जल्दी से ये पूरा हो गया। और अभी ना इनका काम खत्म हो गया तो एक चेस्ट बनाते हैं और इसमें ना ये सारा सामान रख देते हैं बेकार का उल्टा फुल्टा, और फिर नीचे एक ब्लॉक बचा वहां पे लगाना, वहां का काम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो ना जहां पर ये जगह बची है लास्ट में, इधर भी मेरे को स्टेयर से लगाने हैं तो जल्दी से लगाते हैं 3, 1, 2। यार ये शील्ड से अच्छी नहीं लग रही, पहले शील्ड से को हटा देते हैं। हाँ अब मैं जल्दी से ये सारे लगाकर आपको मिलता हूँ 2 मिनट में। तो गाइस मैंने ना यहाँ पर अपना स्टेयर का काम पूरा कर दिया है और अब ना मेरे को ये जो ये विलेजर्स के जो ये शेल्टर से होने वाले ये जो मर्जी कह रहे हो इनको, इनके ऊपर ना मेरे को ओक लोग नहीं क्या कहते यार स्प्रूस स्लैब लगाने हैं, तो यार वो इतनी दूर से मेरे को जाकर लाने पड़ेंगे। चलो फिर जल्दी से निकलते हैं और जाकर स्प्रूस स्लैब लेकर आते हैं, 2 मिनट में आया मैं। तो गाइस मैंने जा ही रहा था, मेरे को याद आया अपने यहाँ पर भी तो नीतीश ने लगा रखे हैं, वैसे तो ये उसके पेड़ है पर मैं काट लेता कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सामान तो वो भी हमारा ले ही लेता है। तो जल्दी से यहाँ से एक पेड़ में बहुत सारे हो जाते हैं ना, ये 4 उसने एक साथ उगा रखे हैं तो एक पेड़ ही हमारे लिए इनफ है, तो जल्दी से तोड़ देते हैं ये वाला पेड़। चलो जल्दी से तोड़ के जितने भी हमें वो मिलते हैं और यहाँ से निकलते हैं पहली फुर्सत में। तो गाइस मैंने ना ये वाला पेड़ पूरा यहाँ पर काट लिया है, ये जल्दी से पहले मैंने ना अभी ये भाई ये थोड़ा थोड़ा सही लगने लग गया अब ट्रेडिंग हॉल। चलो जल्दी से वहीं पे चलते हैं ट्रेडिंग हॉल के पास। तो गाइस अब मैंने स्प्रूस स्लैब बना लिया, इनको ना मेरे को यहाँ पर यू सेट करके लगाना है, तो जल्दी से लगा के आया मैं 2 मिनट में। तो गाइस अभी ना मैंने यहाँ पर पूरे ऐसे स्प्रूस प्लैंक लगा दिए हैं, जो भी स्लैब प्लैंक जो भी कह लो यार, अभी मेरे मुँह से टेढ़े वेढ़े वर्ड बोल रहे तो उनको पकड़ना मत। इनको अब यू करके ना एक मतलब एक हाइट पे लगाना है इनको, तो अब जल्दी से मैं ये लगाकर 2 मिनट में मिलता हूँ आपको हर जगह पर लगाकर। तो गाइस अभी ना मैंने चारों साइड पे ये स्प्रूस स्लैब लगा दिए हैं, अब मेरे को पता है क्या करना है, जैसे ये इनके शेल्टर से पूरे तैयार हो गया ना, अब इनको बस बांटना है, मतलब जैसे ये इनको फेंस लगाने हैं दोनों साइड, जिसमें विलेजर एक दूसरे साथ मिले ना ऐसे, इधर साइडों में वो लगाने हैं फेंस, तो जल्दी से मैं लगाता हूँ और इसका अभी काम पूरा करता हूँ। गाइस अभी ना मैंने यहाँ पर सारा काम कर दिया, ये अंदर की साइड भी ये लगा दी, अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी थी पर पता नहीं वो क्यों नहीं हुई, पर मैंने इसका पूरा काम कर दिया, आप देख लो इतना मुश्किल काम नहीं था, बस फैंस ही लगाया और ये बीच में ये बनाया, ठीक है। तो अभी जल्दी से अब ना मेरे को यहाँ बीच में अलग अलग से ब्लॉक लगाना है, इसके लिए मैं जल्दी से यहाँ की डर्ट हटा देता हूँ और मिलते हैं दोस्त। तो गाइस चलो अब जल्दी से ये बस 2-4 ब्लॉक रह गए और ये चल ये क्या हुआ यार, चल कोई ना इनको तो फिल कर देंगे, ये यहाँ पर पूरी डर्ट हट चुकी है। अब ना मेरे को एक करके 2 ब्लॉक की, एक तो वो शायद पता नहीं उन दोनों ब्लॉकों का नाम क्या था, पर आपको लगा के दिखाता हूँ, एक तो ये जो मैंने तीर कमान वाले लगाए ये वाले ब्लॉक का नाम नहीं देख पाया मैं अभी भी, ये से बस जो भी इनका नाम है, ये लगाने एक एक लेयर करके, तो जल्दी से लगाते हैं और मिलते हैं 2 सेकंड में। तो गाइस अभी मैंने ना ये अलग अलग ब्लॉक लगा के इनकी लेयर जो है पूरी कर दी है, काफी सही लग रहा है अब ये, और हमारा ना ट्रेडिंग हॉल का भी 30-40% काम पूरा हो चुका है, बस थोड़ा सा ही रहेगा और इसको भी जल्दी कम्प्लीट करते। तो गाइस अभी ना मैंने ये स्टिक ब्रेक जो भी इनके ये स्लैब से बना के लगा दिए, ये भी काफी सही लग रहे हैं, जल्दी से ना इन्हें चारों साइड लगा के मिलता हूँ मैं 2 सेकंड में आपको। तो गाइस अभी ना मैंने ये चारों साइड लगा दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे से लग रहा है, भाई ये बड़े डेंजर साइड लग रहा है, पीछे की साइड काफ़ी सही लुक दे रहे हैं, ऐसे ओल्ड डिज़ाइन की पूरे मस्त लग रहे हैं ये। जल्दी से अभी हमारा और काम हो गया, जल्दी से थोड़ा सा ही काम रहता है, पर वीडियो पहली बार बना रहा हूँ मैं इतनी लंबी वीडियो। गाइस अभी ना मैंने इन शेल्डर्स के बीच का भी काम अच्छा लग रही है, ये वाले ब्रिक्स वाले स्टोन लगाकर साइड में वो शवल सी फेर दी, ये भी काफ़ी सही लग रहा है। अब मेरे को ग्लास चाहिए, मैं जल्दी। तो गाइस अब मैं यहाँ पर सैंड लेने आ गया हूँ, क्योंकि अब मेरे को वहाँ पर ग्लास का बहुत ज़्यादा काम है, और मैंने ना ये 2-3 स्टैक मतलब 3 स्टैक सैंड ले लिया, अब जल्दी से चलते हैं और ग्लास का काम।
तो गाइस अभी ना मैंने इन सैंड को फर्नेस में लगा दिया और ये ग्लास बनने के लिए रेडी है, मतलब एक एक स्टैक लगा दिया, ये बन जाएगी थोड़ी देर में ग्लास। तो उससे पहले ना तब तक मेरे को ना कलरफुल ग्लास चाहिए अलग अलग डाई वाले, तो इसके लिए मेरे को डाई इकट्ठी करनी पड़ेगी, इसलिए मैं जल्दी से गया और डाई लेकर आया 2 मिनट में। तो गाइस अभी ना मैं अपने इस फार्म के पास आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हड्डियाँ पड़ी रहती है जिनसे हम वाइट डाई बना सकते हैं। मेरे को वाइट डाई का भी काम है, ये देखो कितनी सारी पड़ी है, काफ़ी सारे स्टैक पड़े हैं, जल्दी से 2 स्टैक ले लेते हैं, काफ़ी होएगी, और इनका हम बनाएंगे अपना वाइट डाई। पहले इनसे बोन मील बनेगा फिर वाइट डाई बनेगा, पर उससे पहले रात हो रही है तो सो जाते हैं आराम से। गुड मॉर्निंग गाइस, चलो अब जल्दी से। अरे क्या यार, हाँ ये पहले बोन मिल, ओ यार ये है, पहले बोन मिल बनाना पड़ेगा उसके बाद बनेगी हमारी वाइट डाई। तो जल्दी से ये वाइट डाई ब्लू डाई बनाकर जल्दी से निकलते हैं यहाँ से पहली फुर्सत में, और अपनी पिकेक्स की भी हालत पतली हो रखी है और एक्स की भी, इनकी भी वो इनको भी रिपेयर कर लेते हैं जल्दी से। गाइस इन चेस्टों में रेड पॉपी गाइस इन चेस्टों में रेड पॉपी पड़ा है क्योंकि जब यहाँ पर अपने विलेजर रख रखे थे तो ना आयरन गोलम स्पॉन होते रहते थे, अपन उनको मारते रहते थे और आयरन लेते रहते थे, उनके साथ ये भी मिल जाते थे रेड पॉपी, तो इनको अपन चेस्ट में रख देते थे, तो आज ये फायदा पहुँचा रहे हैं हमको, तो जल्दी से ले लेते हैं सारे रेड पॉपी। लो यहाँ पर भी 6 पड़े हैं और चलते हैं इनको लेकर जल्दी से। नहीं इनफ है वैसे रेड डाई के लिए। तो भाई हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ना मैंने थोड़े बहुत 32 ग्लास ले लिया, और इनके ना मेरे को ग्लास पेन बना लेता हूँ क्योंकि ग्लास पेन का भी अभी काम है यहाँ साइडों में। मैं वैसे पूरा उसके जैसा नहीं बना रहा जिस यूट्यूबर से मैंने चुराया है, उसका नाम मैंने शुरुआत में बोला था, अब भूल गया मैं, ऐसे मेरे को ना साइडों में लगाना थोड़ा थोड़ा, MC Eden शायद यही नाम है उसका जहाँ तक मेरे को याद है, थोड़ा थोड़ा मैं उसका चुराया, मतलब थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा चुराया, पर कुछ कुछ मैं अपना भी बना रहा हूँ, जैसे उसने पता नहीं क्या लगाया था, मैं ग्लास पेन लगा रहा हूँ, तो जल्दी से लगाकर काम करते हैं ख़त्म। तो भाई ये बहुत सही लग रहा है वैसे, इसको मैं चारों साइड कर देता हूँ, काफ़ी सही लगेगा ये, जल्दी से करके मिलता हूँ मैं 2 सेकंड में आया। तो गाइस अभी मैंने ना चारों साइड तीन साइड मतलब ग्लास पेन लगा दिया क्योंकि एक साइड तो हमारा दरवाजा वरवाजा होने वाला था, और ये काफ़ी सही लग रहा है, और अब मेरे को ना चाहिए ये 43 ग्लास पेन मेरे से एक्स्ट्रा फालतू में मिल गए, अब मेरे को कलरफुल ग्लासेस चाहिए, ग्लास ब्लॉक, ग्लास ही कहते हैं हाँ, पता नहीं ब्लॉक कहते हैं क्या, जो मर्जी कह लो, उनको ना इनकी छत पे लगाना है, तो उसके लिए मेरे को चाहिए वाइट, जिनके लिए बोन मिल तो हमारे पास काफ़ी है, और रेड और येलो, रेड और येलो के मेरे को फूल ढूंढने पड़ रहे हैं, ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है पर अपन कर लेंगे जल्दी जल्दी। ये देखो येलो फूल बस 15 ही मिले अभी तक, जल्दी से करके मिलते हैं। उसने पता नहीं यार छत पे क्या लगाया था MC Eden भाई ने, पर अपा तो अपनी मर्जी से बना रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो बस यहाँ पर ना मैंने अभी 3 ऐसे लगाए ऐसे कि रेड और वाइट बीच में, रेड इधर और येलो इधर, मैं सोच रहा हूँ अच्छा तो लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि बुरा लग रहा है, पर इससे ना थोड़ा तंगी होगी क्योंकि ये ज़्यादा ज़्यादा यूज़ होंगे। इस सेटिंग ना मेरे पास एक मस्त प्लान है, अभी ये तोड़ो और देखो इधर साइडों में वाइट लगाने हैं क्योंकि वाइट हमारे पास काफ़ी है, इनकी तो कमी नहीं पड़ने वाली, और बीच में एक रेड और साइड में फिर वाइट, ये ऐसे अभी लगा क्यों नहीं है, हाँ अब मेरे को ये इधर लगाना है और सामने वाले से भी यूँ रेड निकालना है, और ये जो लेफ्ट राइट वाले हैं ना इनमें हम बीच में येलो लगा देंगे, ये भी काफ़ी सही लगेगा वैसे, करके देखते हैं एक बारी। तो गाइस अभी ना मैंने ये एक लाइन तो पूरी लगा कर दिया और ये काफ़ी सही लग रहा है, और ऐसे सामने वाला रेड और लेफ्ट राइट वाले येलो येलो निकाल देंगे, काफ़ी सही लगेगा, तो जल्दी से ये काम पूरा करते हैं 2 सेकंड। तो गाइस अभी ना मैंने ये चारों साइड का काम पूरा कर दिया और ये सच में काफ़ी सही लग रहा है, मतलब जितना मैंने सोचा था उतना ही अच्छा लग रहा है ये क्या, मतलब सही लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा है, कोई कह नहीं सकता, और इसमें ज़्यादा ग्लास ये वाले यूज़ भी नहीं, और रेड येलो वाले, और काम भी बड़ा सही हो गया। अब जल्दी से चलते हैं और आगे का काम पूरा करते हैं, अभी शायद हमारा 50% काम पूरा हो गया गाइस, 50%। तो गाइस अभी ना ये बहुत सही लग रहे लग गया है, पर बाहर से ना हमने एक चीज़ मिस कर दी जिसमें हमारे को ये वाले ब्रिक स्टोन, नहीं नहीं ये वाले स्टोन ही, हाँ ये स्टोन ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें फिर से फेंस भी बनाने पड़ेंगे और स्टेयर्स भी। मैं एक चीज़ भूल गया था जो कि मेरे को फिर से वीडियो देखने के बाद याद आई भाई की, अभी फेंस नहीं है ना मेरे पास, ना फेंस नहीं है, फेंस शायद चेस्ट में पड़े हो, हाँ 2 पड़े हैं, मेरे को फिर से बनाने पड़ेंगे, पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ अभी मैं क्या बनाने वाला हूँ, फिर आपको जल्दी से पूरा करके दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो वैसे बहुत लंबी हो रखी है। पहले हमें नीचे लगाना है एक स्टेयर, फिर एक फेंस, और उसके ऊपर एक और फेंस, और उसके ऊपर एक स्टोन ब्रिक।
अभी ये ज़्यादा अच्छा लगेगा जब मैं चारों साइड करके आ जाऊँगा, दो मिनट में करके आया। तो गाइस अभी ना मेरे पास ये वाइट बिर्च स्टेयर शायद कहते हैं ना, ये मेरे पास ना ज़्यादा नहीं है इसलिए ना मैं इनका यूज़ नहीं कर रहा। अभी ना मैं ये ओक स्टेयर्स का यूज़ कर रहा हूँ, ये भी अच्छी लग रही है, उससे अच्छी नहीं लग रही, पर यार छोड़ यार अभी इतनी मेहनत करने का दिल नहीं, तो जल्दी से ओक स्टेयर ही लगा देते हैं क्योंकि ओक हमारे पास बहुत बड़ा है। और ये इसको हटाओ, इसके ऊपर लगा देते हैं इसको ऐसे करके, हाँ ए बस। अरे यार ये फर्नेस को यहाँ से हटाना पड़ेगा भाई, चल कोई ना, फर्नेस को 2 सेकंड में हटाकर उधर शिफ्ट कर देते हैं दूसरी साइड। हाँ अब ये थोड़ा अच्छा लगने लग गया है, बस इनके ऊपर वो लगाने हैं, जल्दी से 2 मिनट में करके यार। तो गाइस अभी ना मैंने ये नीचे से ये स्टेयर्स और फेंस से लगा दिया, बस ये वाले ब्लॉक लगाने रह गए कहीं कहीं जगह पर, ये स्टोन ब्रिक्स ये तो मैंने पकने के लिए लगा रखे हैं, इसकी कोई वो नहीं है इतना ना, जब तक ये पकेंगे तब तक अपन क्या करते हैं वो ले आते हैं फिर से ओक लॉक स्लैब। मेरे को एक और पेड़ काटना पड़ेगा क्योंकि अब मेरे को ना इसकी छत बनानी है, और इसकी छत पूरी ऑन होने वाली है मंदिर वाले स्टाइल की, हिंदू मंदिर वाले स्टाइल की, काफ़ी सही लगेगी वो। तो जल्दी से जाता हूँ और ओक लॉक स्लैब लेकर आता हूँ, मतलब ओक लॉक लेकर आता हूँ और उससे स्लैब बना लेगी। तो गाइस अभी मेरा स्टोन ब्रिक्स का काम मैंने ख़त्म कर दिया, और यहाँ पर मैंने ना इनको मिला भी दिया ये ओक स्लैब बनाकर। अब मुझे पता क्या करना है, इनके ऊपर एक एक स्टेप मतलब एक एक हाइट पे बनाते जाना, और तीन तीन करके कुछ। अभी आप देखो मैं कैसे बनाऊंगा, ये पहले इधर साइड में लगाते हैं एक ब्लॉक, एक दो, हाँ अब ये सही लग रहा है। अब इनके इसके एक एक हाइट का मेरे को ऐसे बना बना के जोड़ते जाना है, और ये थोड़ा मंदिर वाले स्टाइल में बन जाएगा और काफ़ी सही लगेगी ये चीज़। अभी देखते जाओ आप, जल्दी जल्दी बनाता हूँ और 2 मिनट में मिलता हूँ आपको ये बनाकर। गाइस अभी ना ये 3 हाइट का हो गया है, उसके बाद ना मेरे को यूँ कुछ ये एक ये लगाकर, उसके बाद ये जो भी फेंस लगाकर एक स्लैब के ऊपर फेंस लगाकर यूँ इसको यूँ मिलाना है, और ऐसे ही करके मेरे को 3 फिर इसके ऊपर 3 हाइट बनाऊंगा फिर यूँ ही मिलाऊंगा, और ये काफ़ी सही लगेगा देखने में। मुझे मैंने ना उसकी छत कुछ मेरे को समझ नहीं आ रही थी, थोड़ा मैंने उससे चुरा लिया और थोड़ा थोड़ा मैंने खुद आइडिया लगा लगा के कहीं पर ब्लॉक घुसेड़ा कहीं पर स्टेयर घुसेड़ा और लगा दिया, कुछ कुछ कर ही दिया मतलब, और ये काफ़ी सही लगेगा। मैं जल्दी से 2 मिनट में करके आया। तो गाइस अभी मैंने इनके ऊपर स्लैब लगा दिया, मेरे को ना ये इनके ब्लॉक ही लगाने हैं, ये इसको स्प्रूस प्लैंक लगाने हैं जल्दी से, और ये काफ़ी सही लगेगा पूरा बनने के बाद। गाइस स्प्रूस प्लैंक लगाने के बाद ना मेरे को इसके नीचे यूँ करके स्लैब लगाते जाना है, और ये यूँ बनाना है बस, इसको ढकना है मतलब पूरी तरह से। वैसे मेरा नीचे का काम ख़त्म हो गया, मेरा स्लैब ख़त्म हो गया, अब मेरे को फिर यूँ ही 3 की हाइट देनी और फिर सेम वो करना है कार्य, तो जल्दी से पूरी छत बनाकर 2 सेकंड में मिलता हूँ आपको। तो गाइस अभी ना ये मैंने इसके ऊपर भी 3 की हाइट बना दिया। अरे यार इससे चढ़ना बहुत मुश्किल है, वेट कर ले पानी, भाई धक्के दे जा रहा है यार, ये फ़ोन में ना पानी की मदद से चढ़ना इतना मुश्किल होता ना, कसम से क्या बताऊँ। चढ़ने दे, चल चढ़ गया। अभी मैंने इसके ऊपर भी 3 की हाइट बना दिया, और ये काफ़ी सही लग रहा है, बस मेरे को स्लैब लगाने नहीं, और स्लैब के ऊपर फेंस नहीं लगता है, इसको ठीक करके। तो गाइस अभी इसके ऊपर भी मैंने ये सेम सिस्टम कर दिया है, तो जल्दी से इसके ऊपर चलते हैं और फिर से स्लैब लगाने शुरू करते हैं। पानी डालो, चल आराम से, ये ब्यूटीफुल। और वहाँ पर देखो अभी नीतीश भी स्पॉन हो, मतलब नीतीश भी आ गया, वो हमारा ये देख रहा था, तो अभी मेरे को बस यहाँ पे स्लैब लगाना है और इसके ऊपर लगा के यू लगाते जाना है बस। अरे यार ये क्या, चल 2 सेकंड का काम रह गया बस, छत फिर कंप्लीट है भाई। अभी क्या, इस नीतीश भी आ चुका है और हमारा इतना काम हो गया, पर इस बार ये तंग करने नहीं, मदद करने आया था, ये हमारे लिए वो बना कर लाया लाइब्रेरियन के लेक्टन, और इतना हम छत बना रहे थे इतना हमने इसे लेक्टन बनाने का काम दे दिया, ये भी कुछ काम मांग रहा था क्योंकि अभी इसके पास कुछ करने को नहीं था, तो जल्दी से बस थोड़ा सा रह गया, बहुत बढ़िया बना है, इतनी खुशी। ले भाई तू लब्बू ले मेरा, इतनी खुशी। चलो बस अभी जल्दी से छत कंप्लीट करते हैं और नीचे चलते हैं। तो गाइस अभी हमारी छत ना पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, और ये काफ़ी सही लग रही है, बस इसमें ना एक चीज़ की कमी है, यहाँ पे एंटीना लगा देता हूँ क्राफ्टिंग टेबल की तरफ, मेरा हीरा
नहीं, मेरे पास फेंस नहीं पड़े, क्राफ्टिंग टेबल से बनाना ही पड़ेगा फेंस। बस एक फेंस लगाते हैं और एक स्लैब लगाते हैं इसके ऊपर, काफ़ी सही लगेगा वो। ये चलो ये लगाया, हाँ सही लग रहा है। इसके ऊपर एक फेंस भी लगा देते हैं। चलो हाय, कैसा लग रहा है? एंटीना लग रहा है ये, पर यार फेंस ना ज़्यादा बड़े नहीं लग रहा है, इसे तोड़ दो। ये खाली अच्छा लग रहा है, बाद में हम इसे उससे डेकोरेट कर देंगे अपने लालटेन से। तो फिर देखते हैं ये कैसा लग रहा है। अंदर अभी अंधेरा अंधेरा, अभी टॉर्च भी लगानी है और लालटेन। ओ भाई कसम से भाई सही लग रहा है, बस लालटेन थोड़ी और अच्छा चमक रहा होता ना भाई, क्या ही मस्त लगता है। जल्दी से काम हो गया, कंप्लीट करते हैं। अभी हमारा ना छत बन चुकी है, तो अभी हमारा 80% काम पूरा हो गया, बस थोड़ा सा ही रहता है। गैस मैं वहाँ पर थोड़ी बहुत ही टॉर्च लगाया हूँ, जितनी मेरे पास पड़ी थी 33-34 कुछ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, खुद मैं एक किराए के कमरे में रह रहा हूँ और विलेजर के लिए इतना बड़ा आदमी बना घर बना रहा हूँ। इसके बाद मैं अपने लिए बनाऊँगा, सारे चोरों लिए अपने लिए घर बना रखा है। और इतने में गैस हमारा एक और न्यू मेम्बर जुड़ गया है SMP में, जिसका नाम है नमन। वो काफ़ी अच्छा बंदा है, मेरा दोस्त है वो। तो उसका चैनल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसको भी जाकर सब्सक्राइब कराना। मिलते हैं 2 सेकंड में। तो गाइस अभी मैंने ना चारों साइड टॉर्च लगा लिया और ये काफ़ी सही लग रहा है। एक बीच वाले ब्लॉक खा लिया, इसमें भी एक टॉर्च लगा देता हूँ। अभी यहाँ पे ज़ोंबी वोम्बी स्पॉन होने का भी खतरा नहीं है। हाँ अब ये बहुत चमकदार और सही लग रहा है, बाहर से देखते हो। बस अब एंट्रेंस रह गई है, ऊपर भी खाली खाली लग रहा है ना, ऊपर भी अभी टॉर्च लगाऊंगा एक ले क्या। चल ये बाहर से भी अब ठीक लग रहा है, बस एक लालटेन लगानी रह गई और एक थोड़ी सी एंट्रेंस रह गई, अंदर तो अब सही है बस। तो गाइस अभी ना मैंने कुछ यू शेप में खड्डा कर दिया, मैं एंट्रेंस कुछ यू बनाने की सोच रहा हूँ। मतलब मैंने ही नहीं सोच रहा, मैंने उससे देखी है ये एंट्रेंस, पर मेरे को अच्छे से याद नहीं उसने कैसी बनाई थी। मैं टेडी वेडी बना रहा हूँ अपनी मर्जी से। इसमें बस मेरे को यू ब्लॉक लगाने, एक यू और इसके नीचे उतर के फिर यू ऐसे, मतलब पहले नीचे जाएंगे हम फिर ऊपर चढ़ेंगे। ये काफ़ी सही बना रखी है उस बंदे ने, MC Eden भाई ने। जल्दी से इसको पूरा करते हैं 1 सेकंड में। तो गाइस अभी हमारा स्टेयर्स वाला काम पूरा हो गया और ये काफ़ी सही लग रहा है। बस मेरे को पता है ये जो साइडों में जगह बची है ना, जहाँ पे डर्ट लगी है, यहाँ पर मेरे को यही वाला ब्लॉक लगाना है। क्या कहते हैं इनको, फिर से मैं इनका नाम भूल गया, रुक जा भी देख लेते हैं 1 सेकंड में। ये रखा स्टोन, इनका नाम भूल जाता हूँ मैं। अभी मेरे को ये लेने से बस 48 काफ़ी होंगे, और खाना भी मेरी हेल्थ वो भी कम हो रही है, हंगर बार जल्दी से जल्दी फिल कर लेते हैं 1 सेकंड लगा कर। चलो अब जल्दी से अपने काम पे चलते हैं फिर से। जब मैंने पहले इसे देखा था मेरे को लगा था यार ये काफ़ी मुश्किल है, पर अब ये फाइनली बन ही गया और ये ठीक लग रहा है। हमारे पास वो भी नहीं है यार शवल, तो कोई नहीं हाथों से ही तोड़ते जल्दी से। गाइस ये देखो अब स्टोन ब्रिक्स ही कितने सही लग रहे हैं भाई एक साइड पे। अब जल्दी से दूसरी साइड भी यही करते हैं, जल्दी से तोड़ो डॉट भाई, ये काफ़ी सही लग रहा है। तो गाइस फाइनली अब हमारा ट्रेडिंग हॉल जो है कंप्लीट हो गया, बस इसकी छत पे लालटेन लगानी रहती है और वो अभी हम लगा देंगे। अभी हम देखेंगे रात को कैसा लग रहा है, तो जल्दी से अभी ख़त्म करते हैं इसको, इस वीडियो को। ओपी गाइस ये रात को भी काफ़ी सही लग रहा है और ये अच्छा लग रहा है, मतलब जिस हिसाब से मैंने सोचा था उतना ही अच्छा लग रहा है ये। भले थोड़ा मैंने टेढ़ा मेढ़ा बनाया, बट सही है यार, अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे अपने आप को पर्सनल को अच्छा लग रहा है, आप बताना आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में। अब यार थोड़ी बेइज्जती ना करना, बहुत मेहनत लगी है। इसी के साथ गाइस ये देखो छोटू पिंक शेप, भाई क्या मतलब यार मस्त। और ये 2-3 तो बड़ी भी हो रखी हैं, मस्त लग रही है यार, ये कैसे बन जाती हैं खुद। चल ठीक है यार, ये अच्छी बात है। अब भी हमारा ये काफ़ी रेयर वर्ल्ड हो चुका है क्योंकि इसमें छोटू बेबी पिंक शीप आ चुकी है। गाइज अब मैं ना अभी विलेजर लेने आया था, मैं जल्दी से इसे वहाँ पर ले जाता हूँ। अभी हमारी वीडियो ख़त्म हो गया है, बाय बाय गाइज। वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी, इसलिए एक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।